Good morning, students. Today we are going to do exercise 1.3 class 9 subject math. हमको पता है कि हम जो है एक अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें जो है हम चैप्टर 1 लिया है हमने, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया. तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए. Write the float in the decimal form and say about what kind of expression each has. तो सबसे पहले कौन सी काइंड होती है हमें वो पता होना चाहिए. कौन कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. जो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब होता है स्टॉप, जो कहीं भी रुक जाए. लाइक 7.357, अगर इस तरह का कोई नंबर है तो हम उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग. जो नहीं रुकती लाइक दिस 3.050505, इस तरह की जो होती है एक्सप्रेशन वो है नॉन टर्मिनेटिंग. ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. रेकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीटिंग इज रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है. और एक और होती है उसमें बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ये जो हमारी टर्म होती है ये इरेशनल नंबर के लिए यूज की जाती है, लाइक 3.05005000. इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी दिस टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग. तो अब हमें सबसे पहले तो हमें इन तीनों का पता हो गया कि हमें आंसर क्या देना है. हमें ये बताना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है. तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से जो है आपको इसका आंसर जो है फिल करना है. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हम इसका डेनोमिनेटर चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? इसका डेनोमिनेटर. अब ये देखिए ये क्या है, 36/100. इसको मैं 0.36, सीधा सीधा सा लिख देते हैं कि 36/100 है तो ये 0.36 हो गया. तो इट मीन्स ये कौन सी एक्सप्रेशन हुई? टर्मिनेटिंग. कौन सी हुई? टर्मिनेटिंग. ये उसने हमें स्पेशली कह रखा है कि हमें ये बताना है कि राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म. सबसे पहले हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. अब 1/11 है, 1/11 में 1 बीच में आएगा, 11 9 99, 1 फिर एक जीरो लिया, फिर एक और जीरो लिया, फिर वही 99. इसी तरह से चलता रहेगा. तो 1 2 3 4 ये हमारा नंबर आ गया, क्योंकि फिर दोबारा से 100 बनेगा, फिर 99, फिर 100 बनेगा. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0909. इस तरह से आ गया. तो हमारी ये एक्सप्रेशन कौन सी है? ये एक्सप्रेशन है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग. कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग. की ये जो एक्सप्रेशन है वो नहीं रुक रही, लगातार चलती जा रही है. अब इसे देखिए, 4 8 32 एंड 1 33/8. इसे सॉल्व करके देखें, 33 को 8 से, 8 4 32, 1 0, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5 14. तो ये आ गया 4.125. इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग. क्या आएगी? दिस इज टर्मिनेटिंग. क्या लिखेंगे हम? टर्मिनेटिंग. जब हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं तो हम साथ में बताएंगे कि ये रेकरिंग है या नहीं है. रेकरिंग है ना, बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज रेकरिंग. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 को हमने बीच में रखना है और 13 से डिवाइड करना है. 13 2 26, 4 0, 33 39, 1 0, फिर 1 0 हमें और लेना पड़ेगा. 13 7 91, यहाँ आ गया 9. इस तरह से जब आप इसे करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, बार बार रिपीट होने.
वाली या खुद से करेंगे। ओके नेक्स्ट जो है आपको 1/7 दे रखा है, आपको 2/7 निकालना है। ध्यान से देखिए इस 1/7 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/7 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14, 5 × 10 = 11, 8 × 2 = 16 and 1 = 17 कितना आएगा 142857 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 285714 कितना आ जाएगा 285714 के ऊपर 12। इसी तरह से अगर आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 24, 25, 2, 6 और 2, 8, 12 तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.42857। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सम है एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन इन पी बाय क्यू फॉर्म। हम हमेशा कहते हैं कि जो 0.6 बार है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.666 रिपीट हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं दैट इट इज अ रैशनल नंबर। इफ इट इज अ रैशनल नंबर देन इट मींस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। हम इसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकती हूँ तो वो क्या नंबर है जिसको सॉल्व करके ये आएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे x लेट कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार का मतलब क्या हो गया 0.6666 यही हो गया। अब कितने बार्स के ऊपर बार है 1 के ऊपर, दैट इज 6 के ऊपर बार है। तो हम इसमें क्या करेंगे इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे ले लीजिए 1 और इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 10x is equal to 6.666 जितनी बार मर्जी लिखो। इसके बाद का स्टेप क्या है, इन दोनों को आपस में माइनस करना। 10x is equal to 6.666 और x is equal to 0.666 तो माइनस करके क्या आ जाएगा 9x is equal to 6.000। तो 9x कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू 6/9 दैट इज 2/3। तो आपका इसको 0.6 बार को सॉल्व करके क्या आएगा 2/3। ओके तो हमें इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। क्या किया है हमने एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये बताया वेदर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और किस टाइप का है। और सेकंड क्वेश्चन में 1/7 हमें दे रखा था, हमने 2/7, 3/7 सॉल्व किया। और थर्ड में हमें जो नंबर दे रखा है ये ध्यान रखिए थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है हम उतने ही इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो फर्स्ट और सेकंड टर्म बनती है उन्हें आपस में माइनस करते हैं, उसके बाद दोनों को जो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आती है वो आपका क्या आएगा। अब आप 2/3 को सॉल्व करके देखना, वो उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 0.66666। तो यही जो एक्सप्रेशन है हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.6 बार। So your homework is do exercise 1.3, 1, 2 and 3rd sum. Okay, thank you.